यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हर साल होता है और इस बार करीब दो दशक के बाद भारत की ओर से प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करने के लिए दावोस में पहुंच रहे हैं और साथ ही देश के लिए बड़ी उपलब्धि भी इसे माना जा रहा है, क्योंकि करीब दो दशक के बाद ऐसा हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जिसको एलीट जो है एक सम्मेलन कहा जाता है, वहां पर पहुंच रहे हैं देश की ओर से देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। साथ ही खास बात ये कि इस फोरम का जो उद्घाटन भाषण होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और इसके साथ ही जो इसका समापन होगा वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। तो बड़ी उपलब्धि से भारत के लिए भी माना जा रहा है। दावोस में इस बार नमो मंत्र जो है वो दिया जाएगा, योग इस बार देखने को मिलेगा दावोस सम्मेलन के दौरान। और साथ ही इस सम्मेलन में आपको बता दें 3,000 के करीब जो डेलीगेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। करीब 100 से ज़्यादा देश जो है वो इसमें शामिल होंगे, वर्ल्ड लीडर्स इसमें होंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें होंगे। इससे पहले HD देवेगौड़ा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो दावोस सम्मेलन में शामिल हुए थे। उसके बाद अब ये मौका आया है भारत के पास जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुँच रहे हैं, नमो मंत्र देने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि दावोस जाने से पहले, दावोस आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड का एक बहुत छोटा सा शहर है जिसकी आबादी करीब 11,000 की है और यहाँ पर ये सम्मेलन जो है हर साल किया जाता है और इस सम्मेलन में वही लोग शामिल हो पाते हैं जिनको दावोस की ओर से निमंत्रण दिया जाता है। और साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए ट्विटर पर और साथ ही #इंडिया मीन्स बिजनेस के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किए हैं और बताया है कि किस क्या कुछ खास होने वाला है, किन तमाम मुद्दों पर वो बात करने वाले हैं और साथ ही भारत में निवेश लाने की कोशिश रहेगी, आर्थिक क्षेत्र में जो है बातचीत इस दौरान की जाएगी। और वर्ल्ड लीडर्स का एक सम्मेलन है जिसमें भारत इस बार पहुंच रहा है करीब दो दशक के बाद, बड़ी उपलब्धि से देश के लिए भी माना जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप सुझाव अपना जरूर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुझाव देंगे तो और जो है हम वीडियोज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।